साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज ने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। मोहम्मद हफीज ने शोबा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में दाखिला लिया है। मोहम्मद हफीज ने जामा कराची के वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद इराकी से मुलाकात की, जहाँ वीसी कराची ने उनका गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। मोहम्मद हफीज ने बताया कि खेल की वजह से अपना तालीमी सफर मुकम्मल नहीं कर सके थे, लेकिन अब मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूंगा। वीसी जामा कराची प्रोफेसर खालिद इराकी ने मोहम्मद हफीज को जामा कराची में खुशामदीद कहा और कहा कि नौजवान नस्ल को खेल कूद में हिस्सा लेना चाहिए, उम्मीद है तलबा आपके तजर्बात से इस्तेफादा हासिल करेंगे। उन्होंने मोहम्मद हफीज को बताया कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार फतह के बाद जामा कराची ने टीम के अरकान के लिए मुकम्मल मुआवजा स्कॉलरशिप का ऐलान किया था और साथ ही बेहतरीन सहूलियात फराहम करने और तमाम तालीमी खराजात बर्दाश्त करने का फैसला किया था। इसमें वो खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने बैनुल अक्वामी मुकाबलों में मुल्क का नाम रोशन किया। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशा गरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क्यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सान है पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।